हेलो बच्चों, टुडे वी विल रीड द टॉपिक सेंटेंस। आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस क्यों ज़रूरी है और सेंटेंस के कितने प्रकार हैं, इस टॉपिक में हम रीड करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले सेंटेंस का हिंदी मीनिंग। सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होता है वाक्य। सेंटेंस क्या होता है, वाक्य क्या होता है? वाक्य शब्दों का ऐसा समूह होता है जिससे हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने एक वाक्य बोला, राम एक अच्छा लड़का है। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। लेकिन अगर मैं बोल दूँ राम है अच्छा लड़का, तो उससे हमें कोई वाक्य समझ में नहीं आ रहा है, हमें किसी की बात समझ में नहीं आती है। तो हमें सेंटेंस इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने विचारों को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकें और उसका कोई अर्थ निकले। अब इसी को हम इंग्लिश में रीड करेंगे। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस एंड एक्सप्रेसेस आवर थॉट्स। वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका पूरा अर्थ निकलता है और हम अपने विचारों को उससे व्यक्त कर सकते हैं। इसको हम कुछ एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि दिस इज़ अ बॉल, ये एक सेंटेंस है। लेकिन इसको जब मैंने उलट पलट कर दिया, जैसे कि अ बॉल इज़ दिस, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। दिस इज़ अ बॉल, इसका सेंस निकल रहा है कि यह एक गेंद है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, आई स्टडी इन स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल। अब इसको जब मैंने उलट पलट किया तो देखिए, आई इन स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल स्टडी, इसका हमें अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम ये बोलते हैं आई स्टडी इन स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल, तो इस सेंटेंस से हमें अर्थ समझ में आता है कि मैं स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। माय नेम इज राम, मेरा नाम राम है। माय इज राम नेम, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन ये एक अरेंज्ड सेंटेंस नहीं है। इसका हमें अर्थ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन इसका समझ में आ गया कि मेरा नाम राम है। When we speak someone, we speak in complete sentence. जब हम किसी से बोलते हैं तो हम हमेशा एक पूरे सेंटेंस में, पूरे वाक्य में ही बोलते हैं। A sentence always begins with capital letter and ends with full stop. एक वाक्य हमेशा कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षर से शुरू होता है। जब हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और ख़त्म होने पर उसके अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। देखिए यहाँ पर जब मैंने ये सेंटेंस शुरू किया तो मैंने भी कैपिटल लेटर का ही यूज़ किया है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला स्टेटमेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन। स्टेटमेंट्स मीन्स साधारण वाक्य और क्वेश्चंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम स्टेटमेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ वी विल रीड द स्टेटमेंट्स, साधारण वाक्य। व्हेन अ सेंटेंस टेल्स अ समथिंग इट इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। जब हम किसी वाक्य में किसी को कुछ कहते हैं तो वह एक साधारण वाक्य कहलाता है। अ स्टेटमेंट ऑलवेज एंड्स विद फुल स्टॉप, एक साधारण वाक्य हमेशा फुल स्टॉप पर ही ख़त्म होता है, मतलब उसके अंत में हमेशा फुल स्टॉप लगाया जाता है। देखिए इसका एग्जांपल देखिए, पीकॉक इज़ अ नेशनल बर्ड।
मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस के बाद में फुल स्टॉप लगाया है। नाउ वी विल रीड अबाउट क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चंस क्या होते हैं यह पढ़ेंगे। क्वेश्चंस, व्हेन अ सेंटेंस आस्क्स समथिंग इट इज कॉल्ड अ क्वेश्चन। जब किसी वाक्य में कुछ पूछा जाता है तो वह क्वेश्चन कहलाता है, अर्थात वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। अ क्वेश्चन ऑलवेज एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। एक क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन मार्क पर ही खत्म होता है, मतलब कि उसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। आपको आता है क्वेश्चन मार्क बनाना? देखिए इस तरीके से हम क्वेश्चन मार्क बनाते हैं। हम इसका एग्जांपल देखते हैं। जो हमने स्टेटमेंट सेंटेंस पढ़ा था वही उसी का हम क्वेश्चन बनाएंगे। हमने रीड किया था पीकॉक इज़ अ नेशनल बर्ड, इसी का क्वेश्चन विच इज़ अ नेशनल बर्ड, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। इसमें देखिए इसके अंत में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है।